नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरा साल बीत चुका है, दिसंबर चल रहा है, तो ये है दिसंबर के महीने की अपडेट ड्रोन व्यू के साथ में। और दोस्तों, बात करेंगे कि इस साल के अंदर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये जो शेयर की गई है वो दोस्तों आप सभी को पता है, जो हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा ही ये डिटेल्स हैं सारी शेयर की गई हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम हो चुका है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है काम की स्पीड का। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये जगह है नवसारी, और धीरे धीरे हम चलेंगे वलसाड़ से लेकर अहमदाबाद तक, और हर जगह आपको दिखाएंगे कि कितना काम हो चुका है, कितना वायडक्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर बनकर तैयार हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, नवसारी का देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कास्टिंग यार्ड है, जो मैं आप दिखाऊंगा फिलहाल आप सभी को, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये जगह है जहाँ पर सबसे लंबा वायडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायडक्ट इस जगह पर बनकर है, वो तैयार हो चुका है। अगर आप दूर से देखें तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मोड़ भी आता है जो मैं आप सभी को अब दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हल्का सा कट है जहाँ से हमारी बुलेट ट्रेन टर्न भी लेगी। यहाँ पर 2 किलोमीटर से हम कह सकते हैं ज़्यादा ही कुछ वायडक्ट है वो इस जगह के ऊपर बनकर तैयार हो चुका है। सो दोस्तों, यही आप देखेंगे यहाँ पर, जो धीरे धीरे काम है वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। सो दोस्तों, एक बार काम की ओर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार साइड में ग्राफ शो करवा देता हूँ काम की स्पीड का। तो आपने जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही हमारी जो बुलेट ट्रेन का काम शुरुआत हुआ था, जब पिछले महीने की नवंबर 26 को पहला गर्डर लॉन्च किया गया था, उसके बाद हम महीने में 5 किलोमीटर तक वो पिलर हैं वो कास्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने 8 किलोमीटर तक पिलर कास्ट किए, और इसके बाद हम पहुँचे 9 किलोमीटर पर, 10 पर, 11 पर, और अब हम कह सकते हैं कि हम पर मंथ 13 किलोमीटर तक पिलर हैं वो कास्ट कर पा रहे हैं। यानी कि पिलर का काम है 13 किलोमीटर हम हर मंथ पूरा कर पा रहे हैं, और वायडक्ट का काम लगभग हम कह सकते हैं 10 से 12 किलोमीटर का वायडक्ट का काम है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हो चुका है। और यहाँ पर जो आप ये जगह देख रहे हैं ये है सूरत, और सूरत में भी भाई साहब अब तो गर्डर हैं वो तीसरा भी लॉन्च हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये सेगमेंट से जो वायडक्ट है वो बनाया जा रहा है सूरत के अंदर। ये पूरा गर्डर नहीं है, सेगमेंट के थ्रू यहाँ पर वायडक्ट तैयार किया जा रहा है। साथ सूरत स्टेशन आप देख सकते हैं, जो हमारा कह सकते हैं हम जो ऊपर का एरिया है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर पर काम शुरुआत हो चुका है सूरत के रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब आगे चलते हैं भरूच की तरफ, और यहाँ पर जो नदी है, यहाँ पर जो देख सकते हैं सूरत में, ये जो तापी रिवर है, हम कह सकते हैं जो ताप्ती रिवर है हमारी, कहते हैं तापी इसको, तो यहाँ पर भी फाउंडेशन का काम देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, और हमें ये सब देखने को मिल भी रहा है। अब दोस्तों, जैसे ही हम आगे की तरफ चलेंगे वडोदरा में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पिलर कंस्ट्रक्शन है 356 किलोमीटर पर बड़ी तेज के साथ में किया जा रहा है, और वायडक्ट का काम तो जैसा कि आप सभी को पता है हर जगह पर बड़ी ही तेज़ी के साथ में किया जा रहा है। और ये हमारा लॉन्चिंग पैड है यहाँ पर, और कितना लंबा वायडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो बनकर तैयार हो चुका है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पर। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगला साल जब दिसंबर आएगा ना, तो लगभग बुलेट ट्रेन के लिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा तो वायडक्ट बनकर तैयार हो चुका होगा। और साथ ही बात करें, क्योंकि ये जो वायडक्ट बनना है वो कुछ 2 महीने पहले ही शुरुआत हुआ था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, पिलर बनना ज़्यादा शुरुआत हुआ था। अब थोड़ी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वायडक्ट और पिलर की। तो दोस्तों, फिलहाल जो बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा जो फाउंडेशन का काम है वो 200 पार पहुंच चुका है, 200 किलोमीटर पार हम फाउंडेशन पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो पिलर का काम है, तो पिलर बताया जा रहा है कि हम 115 किलोमीटर से ज़्यादा पिलर कास्ट कर चुके हैं, और इसी के अलावा हम अगर वायडक्ट की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर का वायडक्ट हम पूरा अचीव कर चुके हैं। अब दोस्तों, लैंड एक्विजिशन की बात कर ले थोड़ी, गुजरात में पूरा लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। साथ आप सभी को पता है दादर और नगर हवेली में तो वैसे ही 100% है, और रही महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैं आप सभी को वीडियो में बता चुका हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा स्टेशन बनेगा अंडरग्राउंड, वहाँ पर काम है शुरुआत हो चुका है, और बहुत जल्द आपकी वहाँ को भी तस्वीरें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। वो भी मैं आप सभी को जल्द ही दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट के ऊपर है वो काम किया जा रहा है।
अब जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो जगह चल रही है वो है आनंद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच की जगह, और यहां पर भी पिलर हर जगह कास्ट है। सबसे पहली बात दोस्तों, वो जगह दिखाई जाती है आप सभी को जहाँ पर फिलहाल काम चल रहा हो। हालांकि बीच बीच में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि आप सभी को 5 मिनट में तो पूरा 508 किलोमीटर कवर हो नहीं सकता, परंतु गुजरात में काम चल रहा है 348 किलोमीटर के समथिंग, वहाँ का काम दिख रहा है आपको। और ये है अहमदाबाद में वायडक्ट का काम, जहाँ पर 2 गर्डर लॉन्च हो चुके हैं अहमदाबाद के अंदर, और साथ ही जो साबरमती टर्मिनल है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं बनकर तैयार है, और अगले साल इसको पूरा कर दिया जाएगा, 2023 में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी बुलेट ट्रेन की नई अपडेट, आप सभी को कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलते हैं हम आप सभी को एक नई वीडियो में।